हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ। इससे पहले जो है आप पढ़ चुके हैं रोस्टोव की ग्रोथ थ्योरी, यानी रोस्टोव के विकास का सिद्धांत। उन्होंने विकास की पांच अवस्थाएं बताई थी। अब नेक्स्ट है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, अर्थात हिंदी में ये कहेंगे संतुलित विकास का सिद्धांत। संतुलित विकास का अर्थ है कि एक जो विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, उसके विभिन्न अंगों का एक साथ विकास करना चाहिए ताकि विकास की प्रक्रिया में कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं हों। उदाहरण के लिए कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, यानी अर्थव्यवस्था के जितने भी घटक हैं उनका एक साथ एक समान विकास होना चाहिए। अब कुछ परिभाषाएं इसमें दी गई है। प्रोफेसर ए घोष के अनुसार संतुलित विकास के साथ नियोजन इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र एक ही अनुपात में विकास करेंगे, जिससे कि उपभोग, विनियोग और आय एक समान दर से बढ़े। फिर एक बात आती है इसमें परिभाषा प्रोफेसर रेगनर नक्शे की, संतुलित विकास अंत में संतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यानी इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए संतुलित भोजन का होना आवश्यक है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी संतुलित विकास का होना आवश्यक है। संतुलित विकास से आशय अब ये कह सकते हैं हम, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ तथा एक सा विकास करना है ताकि सभी क्षेत्र समानता लिए हुए विकसित हों। संतुलित विकास के जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें एडम स्मिथ, प्रोफेसर नर्क्शे, ऑर्थर लुइस, फ्रेडरिक लिस्ट, रोजस्टिन रोडान, हार्वे लिविंगस्टन आदि अर्थशास्त्रियों के जो नाम हैं प्रमुख रूप से आते हैं। अब संतुलित विकास की क्या विशेषताएं हैं प्रमुख? संतुलित विकास का अर्थ एक साथ सभी उद्योगों में विनियोग करना है। यह सिद्धांत बहुमुखी विकास की अवधारणा पर आधारित है। संतुलित विकास में कृषि और उद्योगों में संतुलन बिठाने के लिए दोनों का एक साथ समन्वित योजना के अंतर्गत विकास किया जाता है। संतुलित विकास में विकास पूर्वक उद्योगों का विकास करके बाजार को विस्तृत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निजी उपक्रम प्रणाली पर जोर ज़्यादा दिया जाता है। और इसकी जो है अंतिम विशेषता, संतुलित विकास में पूंजी का सुव्यवस्थित उपयोग आवश्यक है। अब बात आती है कि संतुलित विकास के कुछ सिद्धांत हैं। पहला है रोजेस्टिन रोडेन का मत, आर्थर लुइस के विचार और रेगनर नक्शे के विचार। सबसे पहले अपन बात करते हैं रोजेस्टिन रोडेन का सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत है उसे बिग पुश थ्योरी या बड़े धक्के का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बड़े धक्के से अभिप्राय इनका ये था कि सभी क्षेत्रों में एक साथ और आवश्यक न्यूनतम मात्रा में विनियोग करना है। इनका कहने का मतलब ये था कि यदि अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना है तो एक बड़े धक्के की आवश्यकता है जो एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश करके से संभव होती है। रोडान ने संतुलित विकास अर्थात कई उद्योगों में एक साथ विनियोग करने से संबंधित अपने दृष्टिकोण के पक्ष में ये बताया कि इसमें कई प्रकार की जो बाहरी बस्तें प्राप्त होती है। यह विनियोग का एक साथ कई उद्योगों की स्थापना, सामाजिक ऊपरी पूंजी के निर्माण, बचत की दर में वृद्धि करने के साथ आवश्यक होता है। इसके फलस्वरूप बाहरी बस्तें प्राप्त होती है। इन बस्तों के कारण उद्योग में जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं अर्थात बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अब रोडान के जो है संतुलित विकास के पक्ष में कुछ तर्क हैं। पहला है इनका, संतुलित विकास पद्धति बाहरी वस्तुओं को पैदा करके अन्य क्षेत्रों में विनियोग के अवसर बढ़ा देती है। दूसरा है, तीव्र आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि परस्पर पूरक उद्योगों में एक साथ न्यूनतम मात्रा में निवेश किया जाए। तीसरा है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में एक साथ निवेश करने पर निजी क्षेत्र के लाभ कम हो जाएंगे और सामाजिक लाभों में वृद्धि होगी। यही आर्थिक विकास का जो है मूल लक्ष्य होता है। अब दूसरा है प्रोफेसर आर्थर लुइस के विचार। प्रोफेसर आर्थर लुइस ने जो संतुलित विकास के पक्ष में तर्क दिए हैं वो इस प्रकार है, संतुलित विकास के कारण ही सभी क्षेत्रों की तुलनात्मक कीमतों में समानता रहती है तथा सभी क्षेत्रों का विकास होता है। दूसरा, संतुलित विकास के फलस्वरूप उत्पादन
आय की मांग की लोच के अनुसार संभव हो पाता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होते। तीसरा, लुईस के अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए, जिससे उद्योगों तथा कृषि, घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन में पारस्परिक संतुलन बना रहे। लुईस जो है वो विदेशी व्यापार पर निर्भरता के पक्ष में नहीं थे, उनके अनुसार घरेलू क्षेत्र में ही जो है संतुलित विकास की स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए। अब तीसरा आता है रैगनर नर्कसे के विचार। नर्कसे के अनुसार अल्पविकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र लगभग क्रियाशील रहता है सभी अर्थव्यवस्थाओं में, जो प्राय आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। पूर्ति और मांग दोनों पक्षों में दरिद्रता के दुष्चक्र चलते रहते हैं। पूर्ति पक्ष की ओर से जो है दुष्चक्र का प्रमुख कारण माना जाता है बचत की कमी, जबकि मांग पक्ष में क्या माना जाता है, मांग की कमी। नक्शे के अनुसार इस निर्धनता के दुष्चक्र को हम तोड़कर ही संतुलित विकास के द्वारा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इन्होंने बताया था मांग की पूरकता। नक्शे के अनुसार मांग का जो विस्तार है वो संतुलित विकास के द्वारा ही किया जा सकता है। जिस प्रकार शरीर को संतुलित भोजन की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार देश के लिए संतुलित विकास जरूरी है। नर्कसे ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया कि एक साथ कई प्रकार के विभिन्न उद्योगों में पूंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे अच्छे अनेक पूरक परियोजनाओं में लगे व्यक्ति एक दूसरे के ग्राहक बन जाएं। यानी एक में जो उत्पादन होगा उसका दूसरा कस्टमर होगा, और दूसरे का जो उत्पादन होगा उसका पहला कस्टमर होगा। एक ही उद्योग में अत्यधिक मात्रा में पूंजी विनियोजित कर देने से उस क्षेत्र में जो उत्पादित वस्तु है उसकी मांग में कमी होने की संभावना रहती है। इसमें नक्शे ने जूता उद्योग का उदाहरण लिया है कि यदि किसी देश में समस्त पूंजी जूता उद्योग में लगा दी जाती है, तो उस उद्योग के श्रमिक अपनी संपूर्ण आय को जूता खरीदने में व्यय नहीं करेंगे, बल्कि अन्य वस्तुओं की मांग करेंगे। इन्हें वे जूते बेचकर प्राप्त करते हैं। परंतु यदि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, क्योंकि पूंजी तो सारी जूते उद्योग में लगी हुई है, तो लोगों की क्रय शक्ति पहले जितनी ही रहेगी और जूतों का जो उत्पादन होगा उसकी मांग नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका, जो है बाजार का विस्तार किस प्रकार किया जाए। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बाजार का विस्तार जरूरी है। इसके लिए चाहे मौद्रिक प्रसार किया जाए, विक्रय कला, व्यापार नियंत्रण, विज्ञापन, है ना, अथवा आर्थिक अर्थसंरचना का निर्माण करके विस्तार किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है घरेलू और विदेशी व्यापार में भी संतुलन है। संतुलित विकास की नीति के द्वारा जब विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग किया जाता है, तो इससे एक और उत्पादन और रोजगार बढ़ाने से आयातों में बढ़ावा मिलता है, दूसरी तरफ पूरकता और विविधता के फलस्वरूप निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इस प्रकार संतुलित विकास की जो नीति है वो घरेलू और विदेशी दोनों व्यापार में भी सामंजस्य रखती है। नेक्स्ट है बाहरी बचतें, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। संतुलित विकास के फलस्वरूप बाहरी बचतें प्राप्त होती है। बाहरी बचतें वे होती हैं जो या तो नए उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों के विकास के फलस्वरूप, विस्तार के फलस्वरूप अन्य उद्योगों को प्राप्त होती हैं। उद्योगों की ये बचतें अन्य उद्योगों की स्थापना तथा मार्केट के और मांग में वृद्धि के रूप में प्राप्त होती हैं। बाहरी बचतों के कारण उत्पादन में ही बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है सरकार का हस्तक्षेप, इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। नर्कसे का ये विचार था कि यदि किसी देश में प्रगतिशील निजी उद्यमकर्ता और उद्योगपति हैं, तो उन्हें विनियोग के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे सरकार का संतुलित विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। अब संतुलित विकास का जो सिद्धांत है उसको अपन समराइज कर सकते हैं, मुख्य चीज़ें उनमें क्या है। संतुलित विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की मांग और पूर्ति में संतुलन रहे। सबसे मुख्य जो बात यही आती है कि जो उत्पादन होता है उसमें मांग और पूर्ति में सामंजस्य रहना चाहिए। संतुलित विकास पूरक उद्योगों का विकास करके बाजार को विस्तृत करता है, जिससे बाहरी बचतें प्राप्त होती है। तीसरा, संतुलित विकास के सिद्धांत के अनुसार केवल उद्योगों में ही विशाल पैमाने पर विनियोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उद्योग तथा कृषि दोनों में विनियोग किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार घरेलू तथा विदेशी
दोनों क्षेत्रों का संतुलित विकास होना चाहिए। यह सिद्धांत मांग की दृष्टि से प्रभावपूर्ण मांग और पूरक मांग को उत्पन्न करने में और पूर्ति की दृष्टि से उद्योगों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है। संतुलित विकास से भारी बस्तें प्राप्त होती है और बाजार का विस्तार होता है। संतुलित विकास की जो पद्धति है निजी उपक्रम के लिए अधिक उपयोगी है। अब है संतुलित विकास के क्या लाभ या प्रभाव हैं, तो संक्षिप्त में यदि बात करें इसकी तो संतुलित विकास के लाभ इस प्रकार हैं। सीमित व्ययताओं की प्राप्ति होती है, जिसे अपन ने पहले डिस्कस किया है, इसको अपन ये कहते हैं ना भारी बचते हैं। कुशल श्रम विभाजन संभव हो पाता है, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, कृषि तथा उद्योग का संतुलित विकास होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, मूल्य स्थिरता आती है अर्थव्यवस्था में, प्राइस स्टेबिलिटी, सामाजिक लाभों में वृद्धि होती है जो कि हमारे आर्थिक विकास का लक्ष्य होता है, संतुलित विदेशी व्यापार पनपता है और विनियोग की प्रेरणाओं में वृद्धि होती है। ये सभी चीज़ें होने के बावजूद संतुलित विकास सिद्धांत की कुछ आलोचनाएँ सामने आई हैं और आलोचनाएँ करने वाले अर्थशास्त्रियों में हैं प्रोफेसर हर्षमैन, प्रोफेसर सिंगर, फ्लेमिंग, कुरियारा आदि के नाम प्रमुख हैं। अब इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, वो इस प्रकार हैं। अर्धविकसित देशों की सामर्थ्य से बाहर है, ऐसा माना जाता है कि वे संतुलित विकास की तकनीक लागू करने की पर्याप्त मात्रा में पूंजी, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय कौशल की आवश्यकता होती है बड़ी मात्रा में, जो कि अर्धविकसित देशों में प्राय उपलब्ध नहीं होता। इतिहास के विरुद्ध, अगेंस्ट हिस्ट्री, विभिन्न देशों का यदि अपन आर्थिक विकास पर गौर करें तो ऐसा रहा है, इन सब का प्रारूप जो है विकास का वो असंतुलित रहा है। जैसे इंग्लैंड में पहले कपड़ा उद्योग डेवलप हुआ, अमेरिका में रेल और जापान में लोहा और इस्पात, तो इतिहास ये बताता है कि भी विकास की जो रणनीति है वो असंतुलित रही है। तीसरा है अनरियलिस्टिक। प्रोफेसर हर्षमैन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में सदैव साम्य की स्थिति पाया जाना वांछनीय नहीं है। मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होना, जब दुर्लभ साधनों के ऊपर दबाव पड़ता है, चूँकि एक साथ विनियोग होता है तो सभी दिशाओं में मांग बन जाती है और इससे मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा रहता है। अति विनियोग, ओवर इन्वेस्टमेंट, इस पद्धति से विनियोग की अति भी हो सकती है जिसके घातक परिणाम निकल सकते हैं। लागतें घटाने की ओर ध्यान नहीं, किंडल बर्कर जो प्रोफेसर्स हैं उनका मानना है कि नक्शे का जो सिद्धांत है वो नए उद्योग प्रारंभ करने के लिए अतिरिक्त वर्तमान उद्योग में लागत कम होने की संभावना पर कोई ध्यान नहीं देता। साधनों का अपव्यय, जब सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास किया जाता है कुछ क्षेत्र संतोषजनक प्रगति कर नहीं पाते हैं जिससे साधनों का अपव्यय होता है। संतुलित विकास निजी उपक्रम प्रणाली में संभव नहीं है। रैगनर नक्शे का मत है कि संतुलित विकास निजी उपक्रम प्रणाली में संभव है। संतुलित विकास का सिद्धांत अधूरा, इस सिद्धांत की आलोचना ये भी की जाती है कि ये वन साइडेड एक पक्षीय सिद्धांत है, इसने उसका संपूर्ण विश्लेषण नहीं किया है थ्योरी का, इसके विकास में मार्ग में आने वाली कठिनाई है, अभाव है, क्षमताओं को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा है। तो इस प्रकार जो है इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। धन्यवाद।